रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण दिन है, रामलला का दर्शन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ही, साथ ही साथ वो रोड शो में भी अब भाग लेंगे। अब से कुछ ही देर में उससे जुड़ी सीधी तस्वीरें जो सामने आएंगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे में ये क्षण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला जिनका संघर्ष बहुत बड़ा था और उस संघर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और उसके बाद से जब राम मंदिर यहां पर बन गया तो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अयोध्या यहां पर पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं, कितना बड़ा बदलाव अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के लिए उनके जीवन में आया है। देखिए गौरव, किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या इस तरह बदलेगी। अयोध्या को तो राजनीति ने छूना बंद कर दिया था, कुछ ऐसे नेता थे जो राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो अयोध्या का जो ये बदलाव है ये प्रधानमंत्री के कारण ही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ये परिस्थितियां बनी, लेकिन प्रधानमंत्री ने तन मन धन से इसको स्थापित करने में समय दिया। और आप जो देख रहे हो, इससे पहले भी जब उन्होंने यहाँ पहली किसी स्थापना की भी पहली रखी गई थी तो भी आकर साथ साथ दंडवत किया था, क्योंकि ये सामान्य नगरी नहीं है। ये भगवान राम के जन्म स्थान है जहाँ का कड़कर सनातन के लिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिना राम की संस्कृति की क्या भारत को कोई जान सकता है, समझ सकता है? तो अयोध्या वो जगह है जहाँ से भगवान राम का सारा प्रभुत्व दुनिया में जाता है। इतिहास से देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि भी है प्रधानमंत्री के लिए कि दोबारा श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की। ये एक बड़ी उपलब्धि अयोध्या के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। उनके जो आदर्श है जिनके जिनको लेकर के वो छोटे समाज में गरीब सबका उसके लिए काम करते हैं, जिनके आदर्श को लेकर उनके दरबार पर मत्था टेक रहे हैं। रामेंद्र, हमने देखा कि जब से रामलला के दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जब से 22 जनवरी के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और वो बढ़ता जा रहा है। लगभग एक अनुमानित जो आंकड़े थे वो 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से आए थे कि 2 लाख लोग लगातार दर्शन करते हुए रामलला के नजर आए। ऐसे में आज की अगर हम संख्या बल की बात करें, क्योंकि साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर में रोड शो भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं? देखिए अब करीब 5 बजे से बंद कर दिया गया है दर्शन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मापदंडों के कारण, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी रोड शो के जब आप वीडियो देखेंगे तो दोनों सड़कें लबालब भरी है। और यही नहीं, फैजाबाद से लेकर के जो फैजाबाद पुराना शहर है वहां से लेकर के जो रामपथ है, रामपथ जिधर से भी मोदी जी को निकलना था वो सारे भरे हुए हैं, सारे जितने होटल हैं वो भरे हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी को भी और राम जी के दर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो उसको देखने के लिए लोग दीवारों पर चढ़े हैं, महिलाएं छतों और दीवारों पर चढ़ी हुई हैं। तो एक बड़ी संख्या है, इसका आंकड़ा तो मेरा मंदिर प्रशासन वो जारी करेगा कितने लोगों ने, लेकिन 1.5 से 2 लाख लोग पर डे देख रहे हैं। आज ये संख्या बड़ी है, बढ़ गई है और पूरे होटल बुक है, पूरे सड़क बिल्कुल बदला हुआ, कोई सड़क में कोई जगह नहीं है चलने की, ये स्थिति है गौरव। बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, कितना भव्य और दिव्य नजारा आज के दिन नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन और पूजा उन्होंने किया है और समझाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्रधानमंत्री के लिए। जब हमने देखा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देश और दुनिया ने गौरव देखा था अयोध्या का, और सबसे जब भव्य नव्य और एक ऐसी अयोध्या